नाहरगढ़ में एग्जॉटिक पार्क बनाने की घोषणा केवल घोषणा बनकर रह गई है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से एग्जॉटिक पार्क का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक एक वन विभाग हिप्पोपोटामस का जोड़ा ही लाने में कामयाब साबित हो सका। करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी वन विभाग वन्य जानवर लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। नाहरगढ़ की पहाड़ियों के बीच बनाए गए बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों के बीच अपनी एक नई पहचान बनाई है। वीकेंड में टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित होने के बाद राज्य सरकार ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के पास ही एग्जॉटिक पार्क बनाने का फैसला लिया। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से पार्क का निर्माण भी करा दिया गया, लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी वन विभाग वन्य जीवों को यहाँ लाने में नाकाम साबित हुआ है। एग्जॉटिक पार्क में जेब्रा, जिराफ, हिप्पो और शुतुरमुर्ग लाने थे, लेकिन वन विभाग अब तक हिप्पोपोटामस और शुतुरमुर्ग का जोड़ा ही लाने में कामयाब हो पाया है। वही पार्क के बनने के पहले ही एक शुतुरमुर्ग की मौत भी हो चुकी है। अभी वर्तमान में तो पहला यही है, दूसरा शुतुरमुर्ग का को रखने का है। जेब्रा जिराफ का भी प्लानिंग है, लेकिन अभी हायर ऑफिसर्स को डिसाइड होने पर जहाँ मिलेंगे, जहाँ से भी एक्सचेंज में मिलेंगे, चाहे बाहर से लाने पड़े, वो हमारा प्रयास रहेगा कि एग्जॉटिक पार्क को अच्छा पार्क बनाया जाए, आके राजस्थान के लिए जयपुर का एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन जाए पब्लिक के लिए। लेकिन जानवर खरीदने के लिए वन विभाग के पास बजट की कमी बताई जा रही है। हालांकि जेब्रा और जिराफ खरीद के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है, लेकिन बात बजट पर जाकर अटक गई है। टेंडर में जेब्रा के 2 जोड़ों के लिए 47 लाख रुपए और जिराफ के जोड़ों के लिए 1.3 करोड़ रुपए की लागत आती है। थाईलैंड में जानवरों की बिक्री सबसे कम कीमत पर होती है, लेकिन करीब 2.25 करोड़ का बजट अब समस्या है। ऐसे में अगर राज्य सरकार ध्यान देती है तो प्रदेश का पहला एग्जॉटिक पार्क पर्यटकों के लिए खुलने की स्थिति में होगा। रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।